एसपी गोस्वामी को सब जानते हैं, मैं उनका सीखा हुआ, उनसे सीखा हुआ अफेजिया के टेक्निक्स आज आपको वापस बता दे रहा हूँ। लेटेस्ट अफेजिया में क्या है? लेटेस्ट अफेजिया में तीन मोटे मोटे टेक्निक्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा आपको। मैं जब आपसे फिलहाल बात कर रहा हूँ तो कैसे बात करता हूँ? मैं पहला बात करता हूँ कि हाँ, किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, है ना, बचपन में खेलते थे हम लोग। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं सजाना शुरू करता हूँ तो अमूमन मैं एक क्रिया या वर्ब के आसपास उसको ले जाता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अभी आज मैंने ये खाया, यहाँ खेला, यहाँ गया, ये पहना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो टेक्निक लेटेस्ट अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं वीनेस्ट। वीनेस्ट का मतलब ये होता है कि हम एक वर्ब बीच में रखते हैं और उस वर्ब को जब बीच में रखते हैं उस वर्ब के इर्द गिर्द पूरी कहानी बनाते हैं, ये पूरा सेंटेंस बनाते हैं और उसी सेंटेंस को दोहराते हैं, पढ़वाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखें तो वीनेस्ट का ये फ्रेमवर्क है जहाँ पर कि इस तरह हु व्हाट बोल दिया गया और बीच में एक वर्ब ले आया जाएगा, क्रिया ले आया जाएगा जिसको कि तरह तरह से रिलेट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ अगर आप देखें तो मेजर नाम का एक वर्ब लाया गया बीच में और पेशेंट को पूछा जाएगा कि कारपेंटर मेजर्स व्हाट, तो क्लाइंट क्या है वो चुनेगा इसको और बोलेगा कि हाँ कारपेंटर मेजर्स वुड। वैसे पूछा जाएगा कि शेफ मेजर्स व्हाट शुगर, तो किसने क्या किया, वैसे किसने क्यों किया, किसने कहाँ किया, इस तरह से इस पूरी कहानी को बनाई जा सकती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, इसको एक बार जब इस तरह से पूछ लिया जाता है उसको ऑप्शन दे के, है ना, देखे ना चुना जा रहा है यहाँ पे शेफ मेजर्स शुगर, एक बार जब बन जाता है तो उसके बाद हम उसको करना शुरू करते हैं कि उसको एसोसिएशन दिखाना शुरू करते हैं कि कारपेंटर मेजर्स वुड, तब वो पढ़ना भी शुरू करता है एक के बाद एक और एक के नीचे एक आता जाता है आपका वही वर्ब, इसलिए इसे हम वी नेस्ट बोलते हैं। यह है पहला टेक्निक जो कि खूब चल रहा है आजकल, आप भी चलाइए और लाभ पाइए। दूसरा टेक्निक, जब हम आप बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मोबाइल बोलता हूँ तो मोबाइल सीधा नाम ना लेके मैं पहले क्या बोलूँगा, अच्छा हेलो हेलो इससे बात कर सकते हैं, ये लगभग इतना बड़ा होता है, ये लगभग लोगों के जेबों में पाया जाता है, ये लगभग इसको लेके लोग बहुत वक्त काटते हैं, इस तरह से तमाम तरह के डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। इसका मतलब उस शब्द का जो सिमेंटिक कंपोनेंट है या जो मायने हैं उसके उसके इर्द गिर्द किसी एक शब्द के होने को तय किया जाता है। और अफेजिया जब होता है तो ये सिमेंटिक कंपोनेंट और सिमेंटिक एसोसिएशन भी खराब हो जाता है। तो इसी सिमेंटिक एसोसिएशन को टारगेट करते हुए जो थेरेपी आता है उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक फीचर एनालिसिस या SFA। तो इस SFA में इस तरह का एक स्कीमा लिया जाता है, देख लीजिए, जिसमें कि जो टारगेट हमारा वर्ड है वो बीच में रख दिया गया और फिर पूछा जाएगा आपको इस तरह से, भाई ये क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका आप डिस्क्रिप्शन करें। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक चक्कू को बताया गया है, चक्कू है, तो पहला सवाल जो पूछा जाएगा उसको वो पूछा जाएगा कि ठीक है इट इज़ ए वॉट, ये है क्या, चक्कू अपने में एक टूल है। दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर पूछा जाएगा किस तरह का एक्शन किया जाता है इससे, तो ऐसे काटने के लिए, स्लाइस करने के लिए किया जाता है। फिर पूछा जाएगा इसको जरा डिस्क्राइब तो करो कैसा चीज़ है, भाई धारदार है, लगेगा तो खून निकलेगा, वगैरह वगैरह। फिर पूछा जाएगा ये कहाँ अमूमन पाया जाता है, किचन में पाया जाता है या गोस्वामी साहब जैसे बोलते हैं कि डॉन के पास पाया जाता है, और फिर पूछा जाता है कि भाई ये किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, तो फल काटने के लिए या वेजिटेबल काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस शब्द को उसके मायनों से जोड़ दिया और एक शब्द लेंगे बीच में और इसी चीज़ को दिखा दिखा के ये सवाल पूछते जाएंगे क्लाइंट को, और क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सिमेंटिक एसोसिएशन बनाता जाता है और वो शब्द बड़ा स्ट्रांग होते जाता है। हमने एक हीटेड बल्ब एनालॉजी का एनालॉजी पढ़ा होगा जिसमें कि बताया जाता है कि जो शब्द जितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेड है हमारे ब्रेन में उतने आसानी से उसको रिकॉल कर देते हैं। तो ये फंडामेंटल है आपका SFA का। तो ये दूसरा थेरेपी टेक्निक हो गया जो कि चालू है या जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। तीसरा, पहला हम चले गए वर्ब या सेंटेंस के लेवल पे, दूसरा हम चले गए उस एक शब्द के मायने के लेवल पे, सिमेंटिक्स के लेवल पे, और तीसरा होता है फोनोलॉजिक लेवल पे या शब्द के लेवल पे। तो जब भी आप फोनोलॉजिकल प्रोसेस एनालिसिस या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो वो पूछा जाएगा कि ठीक है भाई ये बताओ बैट किससे राइम करता है, कैट मैट हैट रैट, या ये पूछा जाएगा ठीक है चलो मैं बैट बोला इसका पहला शब्द कौन सा, ब, इसका आखिरी शब्द कौन सा, ट, अच्छा बताओ कि ये अगर हम देखें तो उसमें कितने सिलेबल्स हैं, एक सिलेबल्स है। उसी तरह से
अगर इसे हम बोलेंगे तो फोनोलॉजिकल कंपोनेंट एनालिसिस, सेम स्कीमा ये रहेगा, बीच में एक शब्द लिया जाएगा और पूछा जाएगा, चलो भाई बताओ ये शुरू किससे होता है, अंत किससे होता है, कितने इसमें सिलेबल्स हैं और राइमिंग वर्ड कौन कौन से, इस तरह से पूछा जाता है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पे केक नाम का केक दिया गया फोटो, और पूछा जाएगा ठीक है शुरू किससे होता है, का, और कौन कौन से शब्द इसके जैसे होते हैं, तो केक है तो कार बोला इसमें इन्होंने, अंत किससे होता है, का। अच्छा ठीक है ये बताइए कि केक किसके साथ राइम होता है, केक लेक, और उस तरह से पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं इसमें। तो केक अगर देखें ऑडिटरली एक सिलेबल है, लेकिन हिंदी में अगर देखें तो के का दो सिलेबल हो जाएंगे, वो उसके स्क्रिप्ट के ऊपर पीछे जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तीसरा टेक्निक है जो कि इस्तेमाल किया जाता है अफेजिया के साथ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो तीन टेक्निक मैंने बताया आपको, एक हो गया सेंटेंस के लेवल पे और वर्ब को टारगेट करते हुए, दूसरा हो गया सिमेंटिक लेवल पे या शब्दों के मायनों को टारगेट करते हुए, और तीसरा हो गया फोनोलॉजिक लेवल पे या शब्दों के अपने अंदर के लक्षणों को टारगेट करते हुए, चाहे वो राइमिंग हो जाए, चाहे वो सिलेबिक्स हो जाए, चाहे वो राइमिंग हो जाए, सिलेबिक्स फर्स्ट साउंड हो जाए, लास्ट साउंड हो जाए, वगैरह वगैरह। ये है मेजर मेजर टेक्निक। थैंक यू गोस्वामी सर।